नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। हमने दोस्तों अमेजन कंपनी से एक कूलर मंगाया है, इसकी आपको जानकारी देंगे दोस्तों। ये किस तरीके से चलता है और ये कैसे काम आता है और ये कूलिंग देता है कि नहीं देता, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएगी दोस्तों। आपको लैपटॉप के जरिए भी आपको दिखाया जाएगा कि ये चलता है कि नहीं चलता है, कि सब इस तरीके से लिखा हुआ है क्या है। और आपको इस बिजली की सहायता से भी आपको दिखाया जाएगा। ये एक मोबाइल का चार्जर है दोस्तों, जिससे आपको इससे चला के दिखाया जाएगा। ये एक्सटेंशन वायर है बिजली की, तो आपको दिखाते हैं कि इसको खोल के दिखाते हैं अभी। हाँ तो दोस्तों, मैं आप इस डब्बे में से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें से ये वाली वायर आई हुई है इसके साथ, जिससे हम लैपटॉप से और इस मोबाइल के चार्जर से हम चला के दिखा सकते हैं। इस तरीके से ये पिन आई हुई है और ये हमने डब्बा को हट नीचे रख दिया है। और ये कूलर है जो हमने अमेजन से मंगाया हुआ है दोस्तों। इसके अंदर बैटरी का भी है जो आपको दिखाएंगे अभी इस वीडियो में। ये है दोस्तों, ये ऑन ऑफ का है। और ये इसके अंदर जो ट्रे है जिसमें हम पानी भरेंगे, और ये इसमें लिख रखा है 50 ml तक ही आप पानी भर सकते हैं। इसके अंदर ये दिखाते हैं आपको, इसमें आप आइस डाल सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं, पर ट्रे छोटी है। देखते हैं इसमें ठंडी हवा आएगी या नहीं आएगी, और दिखाते हैं आपको। इसके अंदर से जो स्विच लगा हुआ है, ये पीछे की तरफ लीड का है जो इसके साथ आया हुआ है, ये हमने इसको लगा दिया है दोस्तों। इसमें बैटरी का भी है, इसके अंदर बैटरी भी लगती है दोस्तों। इसमें सेल लगता है दोस्तों, ये देखिए इसमें दोस्तों 3 सेल लगेंगे, 1 2 3 3 सेल लगेंगे दोस्तों। इससे हम यदि बिजली नहीं है तो हम सेलों की सहायता से भी इसको चला सकते हैं। फ़िलहाल हम इसी को इसमें फिट कर देंगे, लगा देंगे। और दोस्तों अभी हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे बिजली से। ये हमने मोबाइल के एक चार्जर को लिया इसके साथ दोस्तों। मोबाइल का ये ऐसा नहीं आता, चार्जर नहीं आता है, सिर्फ इसमें लीड ही आती है। ये हमने लगाया और ये ऑन कर दिया है और इसको लगा दिया है। हवा चालू हो गई है दोस्तों, इससे हम आपको दिखा सकते हैं कि इसकी कितनी हवा का रेंज है। ये देखिए, हाँ तो दोस्तों देखिए इसमें हवा है, नॉर्मली हवा है, ज़्यादा नहीं। वैसे एक व्यक्ति के लिए हवा ठीक है इसके अंदर, और यदि लाइट चली जाए तो आप लैपटॉप की सहायता से भी इसको चला सकते हैं, ये देखिए। और इसको हम ऊपर भी करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, यदि हम काम कर रहे हैं ऊपर बैठ के तो इसे ऊपर भी, देखो ऊपर भी कूलिंग आएगी इसकी। ये वैसे तो अच्छा है कूलर तो। अब ये देखने वाली बात है कि हम इसमें ठंडी हवा आती है कि नहीं आती। हवा तो सही आ रही है, ये इसका ऑफ कर दिया हमने वापस ही। इसको हम ऊपर या नीचे दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसी आपको हवा की आवश्यकता हो। ये देखिए, अब हम दोस्तों इससे लैपटॉप की सहायता से आपको चला के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने आपके सामने ये लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप ऑन है, और ये हमने इसमें ये लगा दिया है, इसकी जो वायर है हमने लगा दी है दोस्तों, देखिए। और अब ऑन करके दिखाते हैं। हाँ वाओ, लैपटॉप से भी चलने लग गया है, ये देखिए दोस्तों। ये आपको दिखाया आपके सामने, और ये देखिए इस अखबार के टुकड़े से हमने कटिंग करके दिखाया है कि हवा कितनी इसके अंदर आ रही है। ये देखिए, हवा काफ़ी अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कूलिंग की बात करेंगे हम थोड़ी देर में। ये देखिए,
काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। ऐसे तो एक व्यक्ति के लिए ठीक है ये, इसके अंदर जो हवा आ रही है। अब हम आपको दिखाएंगे पानी भर के इसके अंदर कि कूलिंग आती है कि नहीं आती है। ये फ़िलहाल हमने इसको यहाँ से, आप ऑन ऑफ का बटन है जो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे होगी इसकी जो वायरिंग है, आप देख सकते हैं, आपको इधर देखिए इसके अंदर जो वायरिंग है इस तरीके से दिख रही है। देखिए इसमें पीछे की तरफ जो वायर थी उसकी वायरिंग है ये। इसमें एक गोल गोल सा जो पंखा लगा हुआ है जिससे वो हवा दी जा रही है। इसमें आपको अंदर से भी दिखाते हैं हम इस तरीके से, इसमें ये गोल एक वो होता है पंखा जिससे ये एक मोटर की सहायता से ये चलता है। इसमें एक मोटर लग रही है छोटी वाली, ये देखिए पीछे से भी आपको दिखा दिया है। अब आपको दिखाएंगे पानी भर के। हाँ तो दोस्तों इसमें हमने एक आइस का टुकड़ा डाला है और ये हमने पानी भरा है। ये पानी हमने भर दिया है। इसमें दोस्तों इसमें पानी की जो मात्रा लिखी हुई है वो ये बता रहा है कि USB प्लग वाटर कूल्ड और पुश बटन वगैरह इसमें दिखाए हुए हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाया जा रहा है, ये हमने इसमें फिट कर दिया है। इस जाली को लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं और नहीं लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने इसमें जाली लगा दी है। अब आपको चला के दिखाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हवा तो वैसी ही आपको, हमें वैसी ही हवा प्राप्त हो रही है। ऐसा ठंडा तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा दोस्तों। इसमें देखा है दोस्तों हमने कम से कम इसमें 5 मिनट हमने देख लिया है इसको चलाकर। फिलहाल ऐसी कोई कूलिंग नहीं आ रही है जिसमें इन्होंने जो लिख रखा है ऐड पे कि कूल वाला कूलर है जिसमें ठंडी हवा आएगी, वही पहले की तरह हवा आ रही है। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि ये जो इसमें जो पानी डाला हुआ है ये सारा बकवास है एक तरीके से। परंतु कूलिंग इसमें आएगी नहीं, पर हवा फिर भी दे रहा है, हवा दे सकता है ये, पर हवा के लिए ठीक है। यदि हमारे लिए यूज करें तो ठीक है, नहीं तो छोटे, हमने तो ज़्यादातर इसको लड्डू गोपाल के लिए मंगवाया है, देवी देवताओं के लिए मंगाया है। कूलिंग नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, पर आप देख लें कि आपको कूलिंग चाहिए तो ये कूलर इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ हवा दे सकता है, वो भी नॉर्मली 2-4 घंटे बस, ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि इसकी मोटर वगैरह गर्म होने का चांस है। और वैसे बढ़िया है, 1-2 घंटे आप इसको आराम से, 2-4 घंटा आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। कूलिंग हमें अभी तक भी इसमें महसूस नहीं हो रही है कि इस तरीके से इसमें कोई कूलिंग आ रही हो, एक सिर्फ नॉर्मल हवा दे रहा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में यदि लाइट नहीं आती है तो आप लैपटॉप की सहायता से इसको चला सकते हैं। ओके, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं मेवाल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और भी नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे आपको, आपके पास। ओके, धन्यवाद, थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।